देन सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन. हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीम लर्निंग. मैं हूँ पावनी चौधरी, आपकी बायोलॉजी मेंटर. हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस. इस वीडियो में हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट हम बेसिक पढ़ेंगे. आई स्वेयर सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे. आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि हमने क्यों पूरी वीडियो देखी. द पॉइंट इज आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा एंड आप बहुत कुछ नया सीख के जाओगे. अगर आप कंसंट्रेट होगे पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी. एंड अगर आप चाहें PYQs NCERT डिटेल वर्जन भी आए, वहाँ वो भी लेकर आएंगे. लाइफ होती क्या है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है. ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर्स होते होंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे. क्या मूवमेंट ही करेक्टरिस्टिक है? पर क्या सिर्फ आप मूवमेंट के विषय में बोल दो कि लिविंग है नॉन लिविंग है? तो नहीं, चलती तो गाड़ी भी है, बोल सकते हो कि वो लिविंग है? नहीं ना. सो सिर्फ एक चीज़ के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते. सो मेजर सात बेसिक करेक्टर्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी. हम बात करेंगे पहले न्यूट्रिशन की. माइंड मैप में देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे सबसे पहले, देन रेस्पिरेशन, देन सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में क्या क्या पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, क्लियरली मेंशन है माइंड मैप. चलिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को यूटिलाइज करता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. क्लियर? एनिमल क्या होता है? एनिमल वो जो दूसरों पे डिपेंड नहीं कर पाने के लिए. इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन माइंड, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल हेटरोट्रॉप्स होते हैं. हेटरोट्रॉप्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट हो, ऑटोट्रॉप्स जो खुद खाना बनाते हैं वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो. जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना खुद बनाता है, हेटरोट्रॉप प्लांट को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. हेटरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल सिर्फ एनिमल ही नहीं, फंगी और बैक्टीरिया भी है. यू कैन सी हियर. ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन बाय टेकिंग रेडीमेड फूड्स ऑफ अदर डेड और लिविंग प्लांट और एनिमल. एनिमल पे भी डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स. हेटरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स से डिपेंडेंट होते हैं, जैसे फंगी, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया. अब हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है. इन होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड डायरेक्टली, अपना फूड डायरेक्टली लेता है, डाइजेस्ट कराता है, एब्जॉर्ब कराता है. जैसे अमीबा, यहाँ देखिए अमीबा में पांच स्टेप्स होते हैं, मेजर फाइव स्टेप प्रोसेस होता है. इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड न्यूट्रिशन. इंजेक्शन क्या होता है? यानी खाना को लेना, सोडोपोडिया की हेल्प से वो खाना इंजेस्ट करता है. डाइजेशन में फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एंजाइम्स की हेल्प से. फिर एब्जॉर्प्शन में वो जो फूड उसने एब्जॉर्ब किया था, मतलब सॉरी फूड उसने जो स्मॉल पीसेस में डाइजेस्ट किया था उसको वो एब्जॉर्ब करता है साइटोप्लाज्म में, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के, ठीक है. एसिमिलेशन में क्या होता है? अब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, अब उसको क्या करेगा? वो एनर्जी के लिए यूज़ करेगा, रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा, ठीक है. उसके बाद इजेशन. अब सिर्फ सब कुछ हो चुका है, खाना ले लिया, डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब करा लिया, एनर्जी करा ली, सब करा ली. अब क्या अनडाइजेस्टेड फूड भी बच गया? क्या करेगा उस अनडाइजेस्टेड फूड का? वो उसको एक्सट्रीन आउट कर देगा, बॉडी से बाहर कर देगा. सो ये पांच स्टेप्स थे जो अमीबा में होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का भी रोल होता है. कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं? सलाइवरी, गैस्ट्रिक, लिवर एंड पैनक्रियाज. सलाइवरी में क्या होते हैं? सलाइवा होता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे अमाइलेज. वो क्या करता है? वो डाइजेशन कराता है कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. गैस्ट्रिक, उसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जैसे NCL, पेप्सी. ये क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट कराते हैं. उसके बाद हमारे पास लिवर आता है. लिवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जो कि मल्सिफिकेशन कराता है फैट्स का. फिर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों होते हैं. एक्सो कौन से होते हैं? जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करते हैं. एंडो वो होते हैं जो हॉर्मोनल रोल प्ले करते हैं, ठीक है. अब बात करें एलिमेंट्री कैनाल के पाथवे की, या कौन कौन से
यू नो ऑर्गन्स, चलो कौन कौन से पार्ट्स है एलिमेंट्री के नाम के, देखिए माउथ सबसे पहला है, स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद देखिए डायग्राम में, देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है वो इसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है, हमारे माउथ हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है, स्टमक फर्दर डाइजेशन कराता है, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन का मेजर एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, लार्ज में क्या होता है वाटर एब्जॉर्ब होता है, लेवल में बाइल प्रोड्यूस होता है, आपको पता है बाइल फिल्स इमल्सिफिकेशन कराता है फैट्स का, बॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है, पैनक्रियाज में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से होते हैं मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, फिर एनस जो कि वेस्ट को एक्सपीट आउट करता है, एक्सपेल करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन ख़त्म होता है, हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया एनिमल का, प्लांट का, और हमने पढ़ लिया एलिमेंट्री कैनाल का, सलाइवरी ग्लैंड का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमारे खबर हो गए। मैंने देखा है रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है रेस्पिरेशन, मतलब जो हमने फूड लिया है, जो आपने खाना खाया है उसका एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना, रिलीज होना एनर्जी का उससे, जैसे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, वैसे ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना छोड़ना, इनहेल एंड एक्सहेल, क्लियर। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आर टोटली डिफरेंट, कंफ्यूज मत हुआ करिए। चलिए, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज इन रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी, जैसे ग्लूकोज, टाइम एनी फूड थिंग्स। ब्रीदिंग क्या होता है, फ्रेश एयर का एनवायरनमेंट से लेना और फॉल एयर का रिलीज करना, यानी एक्सहेल एंड इनहेल और एयर इन एंड आउट ऑफ लंग्स। यहाँ देखिए ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में बहुत अच्छा डिफरेंस दे रखा है, पहले डेफिनेशन का है, दूसरा कहाँ होता है। ब्रीथिंग सिर्फ लंग्स में होती है, रेस्पिरेशन हर सेल में, हर सेल में, ठीक है। ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर एटीपी बन रहा है, तो ब्रीथिंग में एटीपी जनरेट होगा, सॉरी रेस्पिरेशन में एटीपी जनरेट होगा, ब्रीथिंग में नहीं होगा, ठीक है। कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है और एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, दो तरीके के रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एनारोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में न हो। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एरोबिक में चाहिए होता है, उसमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो एरोबिक साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से हम ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन करते हैं, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं है तो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, CO2 H2 एरोबिक के, एनारोबिक के क्या होंगे, सिर्फ CO2 और इथाइल अल्कोहल और साथ में लैक्टिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे H2O का प्रोडक्शन नहीं होगा। ATP की मैं बात करूँ तो एरोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, पूरा अच्छे से प्रोसेस होगा ग्लूकोज ब्रेकडाउन का, 38 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, प्रोडक्शन होगा, और एनारोबिक में 2 ATP, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल इंटरनल एंड सेलुलर। एक्सटर्नल यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, इंटरनल यानी कि ब्लड और टिश्यू के अंदर ही एक्सचेंज होना, सेलुलर यानी सेल्स के अंदर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन सेल्स टू प्रोड्यूस ATP, ATP का प्रोडक्शन ही क्या करवाता है, एनर्जी रिलीज करवाता है। एरोबिक में होता है ATP रिलीज, 38 ATP या 940 है, ठीक है। अगर मैं गैसेस एक्सचेंज की बात करूँ प्लांट में, एनिमल का तो चलो क्लियर हो गया, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग क्लियर हो गया हमें, एरोबिक एनारोबिक हो गया। प्लांट में क्या होगा, प्लांट में तीन मेजर चीज़ें होती हैं जो जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज अकर होता है, ठीक है, होता है, स्टोमेटा, स्टोमेटा, लेंटिकल्स एंड रूट हेयर्स, फाइन। अगर आपको डिटेल चाहिए देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ओके। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, बेसिकली ये होता है ट्रांसपोर्ट, सो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर एंड फ्रॉम द रीजन ऑफ अवेलेबिलिटी टू द रीजन ऑफ यूसेज, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फूड का, गैस का, इन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होना, वेस्ट प्रोडक्ट का, वाटर का, हॉर्मोन्स का। ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स की बात करो तो पहले एनिमल की बात करते हैं, ठीक है। एनिमल, एनिमल्स में कैसे होता है, सर्कुलेशन एनिमल्स में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स के थ्रू और लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू होता है, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड
ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? रूट्स से लीव्स तक जाना और ट्रांसलोकेशन लीव से बाकी पार्ट्स तक जाना। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो देखो, सिस्टम दैट सर्कुलेट्स ब्लड लिम्स थ्रू द बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड लिम्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर? अब ब्लड क्या होता है? ब्लड कुछ नहीं, एक बॉडी फ्लूड है जो कि हमारे हार्ट से, आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी से सबसे पास आउट होता है, सबसे पास करता है और ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन इन सब का ट्रांसपोर्ट कराता है, वेस्ट को भी रिमूव करवाता है। आप देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड में सबसे पहले प्लाज्मा का नाम लिखा है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पेल येलो कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्लड सेल्स है वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी ब्लड सेल्स नहीं होते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं दीदी? देखिए, वाटर होता है 91-92%, प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे दीदी? यूरिया होता है। ठीक है, और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगला देखेंगे हम इसके बाद ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में देखिए RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC सर्कुलर बाइकॉन्केव डिश शेप्स की होती है, रेड होती है हीमोग्लोबिन की वजह से। WBC डिफेंस सिस्टम में काम होती है एंड डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है WBC, माइंड माय वर्ड्स। ठीक है, लार्ज होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, कलरलेस होती है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सेल फ्रेगमेंट्स इन्वॉल्व इन ब्लड लॉजिक। ठीक है, अब बात करेंगे ब्लड के फंक्शंस की। ब्लड का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? देखो, सबसे पहला तो यही हो गया ट्रांसपोर्ट कराना। किस किस का ट्रांसपोर्ट? गैसेस का, वेस्ट का, हॉर्मोन्स का। उसके अलावा मेंटेनेंस में, बॉडी मेंटेनेंस में, जैसे वाटर बैलेंस करना, pH बैलेंस करना। ठीक है, और आई टोल्ड यू डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, प्रोटेक्शन में भी होता है WBCs का। ओके, सो यहाँ पे था एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करेंगे प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की। प्लांट्स रिक्वायर्ड वाटर, वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। मिनरल्स आर नीडेड फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, मिनरल्स भी चाहिए। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ तो वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स, ये तो क्लियर है सबको। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स, कई सारे पार्ट्स में, वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे स्टेम्स में हो गया, लीव्स में हो गया, फ्लावर्स में हो गया। वेस्कुलर सिस्टम स्पेशलाइज सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जाइलम फ्लोएम इसमें काम करते हैं, मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना, यानी एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, अब कंपोनेंट्स देख लीजिए आप यहाँ पे, एंड मैकेनिज्म, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको ये सब डिटेल में जानना है गाइस, बहुत मेहनत लगती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं इस पर डिटेल्स फीस लेकर आऊँगी, एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट। चलो फ्लोएम की बात करो तो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स, रूट, स्टेम्स एंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर, इसके कॉम्पोनेंट्स देख लीजिए यहाँ पे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। फ्रॉम रूट्स, जाइलम ड्रिवन बाय रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन, ये तो हो गया वाटर एंड मिनरल के केस। एंड फूड के केस में क्या होगा? सिंथेसाइज हुआ लीव्स में, फ्लोएम ने इसको बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में ट्रांसलोकेट कराया। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो। बहुत मेहनत लगी है, पूरी वीडियो देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर PYQ डिटेल वर्जन चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। चलो एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है, क्या होता है एक्सक्रीशन? यानी कि बॉडी से वेस्ट का बाहर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यूरिन पाथवे, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेट्रा, यूरेट्रा से बाहर। ये तो यूरिन का होगा कि कैसे बाहर जाता है। एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, स्किन, लंग्स एंड लिवर, इन तीनों से भी वेस्ट बाहर जाता है। ठीक है, अब हम किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन, हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग डक्ट। आप नीचे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये डायग्राम भी NCERT से लिया हुआ है। ठीक है,
ध्यान से देखिए, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी ब्रांच ऑफ रीनल वेन्स, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन प्लांट, एक्सक्रीशन अभी तो क्या एनिमल में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, बाहर चला जाता है। वाटर एक्सेस कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। स्टोर कैसे होता है वेस्ट? इट्स अ प्लांट, वेस्ट आर स्टोर इन लीव्स एंड प्लांट शेड देयर लीव्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। जो प्लांट है उनका जो वेस्ट है वो लीव्स में स्टोर होता है, एंड विद टाइम प्लांट क्या करता है, शेड ऑफ कर देता है ना अपनी लीव्स, है ना, नए पत्ते आते हैं। तो ये है अदर वेस्ट प्रोडक्ट। बाकी वेस्ट प्रोडक्ट कैसे स्टोर होते हैं दीदी? तो स्टोर एज रेजिन्स, गम्स इन वर्ड साइलम, एंड प्लांट में ऑल्सो सीक्रेट अनडिजायरेबल मटीरियल्स इन टू द सॉइल, ठीक है। तो ये नोट्स थे, मेरे नोट्स थे, नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, एंड इसमें आपको क्या मिलेगा? कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स मिलेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशंस मिलेंगी, डिफरेंस मिलेंगे, डायग्राफ मिलेंगे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको डिटेल वर्जन चाहिए वो आएगा, आपको डिटेल नोट्स चाहिए आपको वो भी मिलेंगे, बट उसके लिए जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर, ये मेरी गारंटी है, मैं हर उसका रिप्लाई करूँगी, हर एक डाउट का डाउट जल्द होना चाहिए, ठीक है। बाय, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।